हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ और बेटे साथ में रहते थे। माँ और बेटे मेहनत और मजदूरी करके अपने गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी माँ के मन में ये ख्याल आया कि अब उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है, अब अपने लिए उसे बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बीत जाने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की के साथ कर दिया। उनकी जो बहू थी वो बहुत ही संस्कारी थी। सुबह जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लेती थी, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लिया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी माँ की बहू भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाए। उसने अपनी ये इच्छा सास से बताई कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन सास ने मना कर दिया और बोली, मंदिर जाने से बहुत समय बर्बाद होगा, इतने समय में तो घर का सारा काम भी हो जाएगा, घर में ही भोलेनाथ की पूजा कर लो। यह सुनकर बहू दुखी हो गई और उदास हो गई और घर के काम में लग गई, और उस दिन उसने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया। और जब अगली सुबह हुई तो बहू कुएं से जल लेने चली गई। रास्ते में देखा कि दो लड़कियां पूजे का थाल लेकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उसे रोककर पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? फिर लड़कियां बोली कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब मंदिर जा रहे हैं भोलेनाथ की पूजा करने। यह सुनकर वह फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा कि आप क्यों उदास हो गई हो? उसने बोला, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मंदिर जाने से मना कर दिया। लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो, आप हर रोज़ इसी समय यहाँ आया करो और हमारे साथ मंदिर जाकर पूजा कर लिया करो। तब वो बोली, मेरी सास पूजा की कोई सामान नहीं है, घर जाऊंगी तो सास मना कर देंगी, उनको पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, आप हमारी सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और मन ही मन कहती कि मैंने सास से ये बात छुपाई है, इसीलिए मुझे भगवान जी क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही करके पूरा सावन का महीना बीत गया। जब सावन का अंतिम दिन था, उसने सोचा, पूरा महीना तो मैंने लड़कियों की सामग्री से ही पूजा करके कर ली है, आज मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने सोने की नथ निकाली और उसको धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा करके घर आ गई। तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर पड़ी और पूछने लगी कि तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता है, शायद वह कहीं गिर गया होगा। तो सास बोली, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहाँ जाकर ढूंढ लेंगे। तो बहू बोल रही है, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में ही थी, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ बहू उपले थापी थी। सास बोली, चलो उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू मिलकर उपले तोड़ने लगी। जैसे ही उपले तोड़ी, दोनों के उपले में से एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही था, ये दो कैसे हो गई? फिर सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने लगी और सब उपलों से एक एक नथ निकलने लगी। सास बहू की ओर देखकर पूछने लगी, ये क्या माजरा है? तब बहू सास से क्षमा मांगते हुए सारी बातें बता दी और बोली, ये बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, आज मैंने सावन की समाप्ति पर अपना नथ अर्पित की थी
और उन्होंने इतने सारे नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल दोनों सास बहू मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। जब अगले सावन का महीना आया तब दोनों सास बहू नियम से स्नान करके पूजा पाठ की, जप तप की, भोलेनाथ की कृपा हुई और बूढ़ी अम्मा के घर में अन्न धन से भर गया और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे बाबा भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ और उसकी बहू पर करी, वैसी ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।